देखिए, अभी हमारी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो कर्नाटका है, तो आपके कुछ कांटेक्ट कर्नाटका में हैं क्या? अभी तो सर नहीं है मेरा कोई कांटेक्ट, शायद एक दो कोई होगा तो बात अलग है। हैं क्या मैंने हुआ? देखा वो सुना है, एक दो कोई कांटेक्ट होगा तो वो बात अलग है, बाकी कोई कांटेक्ट अभी सब नहीं है। नहीं तो उनको जो एक दो कांटेक्ट हैं उनको भी हाउ फास्ट यू कैन कल्टीवेट एंड देन दे कैन कन्वर्ट इनटू ए बिग डील, बिकॉज बेसिकली यदि एक कांटेक्ट भी है और वो भारी है, वो जो है ना शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हो, कॉलेज कॉलेज जाके लोगों से जो है ना कांटेक्ट करके उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के लोगों को जोड़े, क्योंकि अभी जो है 10 मई को ही वहाँ की वोटिंग है। यदि हम इस मॉडल को वहाँ सिद्ध कर पाएंगे तो इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम संभव हैं, राइट? मैं देखता हूँ, तो मैं आज कल की जो से मीटिंग थी कल उसके पीछे सोच भी यही थी कि जो जो सोशल मीडिया और इन सब से लोग जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनको हम फास्ट जो है स्पेशली जो कर्नाटका से जुड़े लोग हैं, क्या उनको जोड़ पाएंगे? मैं देखता हूँ सर, मैं अपनी तरफ से यहाँ से कर्नाटक से रिलेटेड कुछ और होंगे तो हाँ, उनको यदि पकड़ने के आप लिए मैं अपना डायरेक्टली नहीं हैं तो इनडायरेक्टली लोगों को पकड़िए जिनको आप जानते हैं, उनके जो है ना कर्नाटका में यदि लिंकेजेस हों, और जैसे कुछ लोग सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कोई बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, तो उनके माध्यम से यदि हम फास्ट ट्रैक पर जो हमने आपको चंद्रगुप्ती और सदस्य जो है ना कॉन्सेप्ट बताया है उसको हम बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे अज्यूम करिए कि यदि हम स्कूल कॉलेज को पकड़ें और वहाँ पर ही हम लोगों को जो है एनर्जाइज करें और बच्चों को ही सदस्य वो बना लें, राइट? बच्चे अपने पेरेंट्स को, और वो चैन वहाँ से चालू होगी, तो हम बहुत जल्दी 9 दिन में ही अपने मंजिल पे पार कर लेंगे, क्योंकि कर्नाटका की पॉपुलेशन तो हार्डली 7 करोड़ से भी कम है, राइट? तो 7 करोड़ की जर्नी 7 दिन के पहले ही पूरी हो सकती है, बशर्ते हर कोई अपने संकल्प को पूरा करे। ये इम्पोर्टेंट बात तो आप है समझ रहे हैं संकल्प ना? की बात। हाँ यदि यदि संकल्प जी यदि संकल्प को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं होगा। सर, और जी सर, यदि संकल्प की संकल्प तो को है। पूरा करेंगे तो हम बड़ी आसानी से अपने उसको पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत फास्ट काम करिए, मतलब आप जो है दिल्ली में लोगों को पकड़िए, आप जो आज है मैंने जो आपका मेरी जो मेरी बात ध्यान देखा से सुनो पहले। जैसे ओके दिल्ली सर में कुछ लोगों को पकड़िए जिनके कांटेक्ट जो है ना कर्नाटका में होंगे, ओके महाराष्ट्र में सर कुछ लोग होंगे जिनके कांटेक्ट कर्नाटका में होंगे, ओके आप सर जो है ना ओके सर केरला में कुछ लोग होंगे जिनके कांटेक्ट कर्नाटका में होंगे, तमिलनाडु में कुछ होंगे जिनके कांटेक्ट कर्नाटका में होंगे, तो और आजकल तो कर्नाटका में हर कोई पहुंचा हुआ है, राइट? अच्छा, राइट सर कुछ लोग वहाँ सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, कोई होटलिंग के बिजनेस में है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है, कोई स्कूल और उसके बिजनेस में है, तो जो जिसमें है उसको पकड़िए और बहुत फास्ट तरीके से मेरे से बात कराइए, तो मैं उनको समझाऊंगा कि उनकी सिचुएशन में उन्हें क्या करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना? अपनी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, ये बात आप समझ रहे हैं ना? हाँ अभी टाइम क्या है, कुछ नहीं टाइम है, बस नहीं टाइम है क्या तो हमें बहुत फास्ट एक्ट करना पड़ेगा, हम अपना समय ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, यदि हम समय ले लेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगी बात, है कि नहीं? सही बात है, वक्त पर ही तो करने की बात है, नहीं तो बाद आपकी में आवाज़ कुछ। धीमी आ रही, थोड़ा तेज़ बोलिए। हाँ वक्त पर ही तो कुछ काम एक्शन करने की बात है, नहीं तो वक्त निकलने के बाद में तो बेकार हो जाएगा। हाँ, नहीं लेकिन तो वो कर्नाटका के लिए बेकार हो जाएगा, तो अभी तो यदि कर्नाटका में हम इतने कम समय में शो कर पाएंगे तो उसके बहुत फायदे निकलेंगे, हम बड़ी आसानी से अपने 21 ऑब्जेक्टिव्स को, लक्ष्य को ज़मीन पे उतार सकेंगे, और हम बिना 5 पैसे खर्च किए ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, है कि नहीं? सर वो और यदि हम थोड़ा इस यदि हम 21 लक्ष्यों सहित जो है ज़मीन पर ये नई व्यवस्था उतार देंगे तो फिर इसमें और कुछ करने के लिए बचेगा नहीं,
बिना इकोसिस्टम को बदले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, वो सुशील साहब भी वही बात बोल रहे थे, और आपने जो सारा कुछ उनको अच्छे से ब्रेक किया। तो अपन कल बात करेंगे, मेरे ख्याल से आप होमवर्क करिए, और व्हाट वी कैन डू, क्या क्या हम कुछ एक्शन प्लान इनडायरेक्टली बना सकते हैं, तो एक दो लोग जो सीधे जानते हैं उनको पकड़ें, और बाकी लोग जो इनडायरेक्टली हों उनको पकड़ें, और जितने से जितना जो है ना अपन 2-3 दिन में जितना अच्छा से काम कर सकेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, है कि नहीं। चलिए, तो इसी वार्तालाप के साथ जो है इस बातचीत को अभी विराम देते हैं, और फिर कल हम लोग बात करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।